वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह के बज गए 10:30। मैं नहा धो करके आराम से बैठ गया हूँ और आज नवरात्रे का पहला दिन है। मतलब आज से क्या है, नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ जगह पे क्या है कि गुड़ी पाड़वा भी बोलते हैं। तो जी बस तैयार होकर के और निकल रहा हूँ घर से यार। अभी दो चार जगह काम से जाना है और एक जगह मीटिंग और है, एक तो वहाँ भी जाना है। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और यार मेरे को स्कूटर से निकलना पड़ा। एक दो काम थे जयपुर शहर के सिटी के, तो क्या गाड़ी से तो भीड़ भाड़ के अंदर ठीक है मैं आ जाता हूँ। अभी दिन के टाइम तो इतना ट्रैफिक होता भी नहीं है, बट मैंने सोचा कि नहीं यार स्कूटर पे चलते हैं और थोड़ा सा अपन चल के आते हैं। और मंदिर भी जाने का आज मन था गोविंद देव जी का, तो मैं वैसे काम वाम निपटा करके और घर पे आ गया था बीच में, इसलिए मैंने दोबारा से कपड़े चेंज कर लिए। और अब क्या है, गोविंद देव जी के मंदिर चल रहे हैं अपन, तो बस आपको आज दर्शन करवाते हैं। जयपुर शहर की चार दीवारियों का कलर जो है यार, ये पिंक सिटी जो बोलते हैं उनको, धीरे धीरे डल होकर के रेड सा लगने लगा है। गवर्नमेंट को दोबारा से कुछ इसका करवाना चाहिए यार। यहाँ से क्या है, गोविंद देव जी के जो मंदिर के लिए आप एंटर होंगे, ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा ठिकाना श्री गोविंद देव जी। ठाकुर जी गोविंद देव जी के पहुँच गए, एक्टिवा लगा दिया है, लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है कि ये तो गेट पट तो पूरे बंद हैं। तो जी यार लौट के बुद्धू वापस से घर को जा रहे हैं। अभी पता चला कि दर्शन जो हैं ठाकुर साहब के, गोविंद देव जी के, अपन 5 बजे पहले कर नहीं सकते। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, मैं कोई आता हूँ नहीं गोविंद देव जी के इतने, लेकिन क्या है ये जयपुर के इष्ट देवता हैं। और बड़ा मन था यार मेरे को आज, मतलब मन हो रहा था 2-4 दिन से, तो इसलिए मैं आया बिना पता किए। और शायद दर्शन देने मेरे को लिखे नहीं थे, पर कोई बात नहीं यार, दोबारा जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे जब ठाकुर। चलिए जी वापस चल दिए, बस रेड लाइट पे पहुंच गया हूँ गोविंद देव जी के बाहर वाली पे। और जाते जाते क्या है कि महादेव जी ने, ताड़केश्वर बाबा ने मेरे को रोक लिया है, तो बस ये आप सामने फूल वगैरह बेचने वाले देख रहे हैं और मैं आ चुका हूँ ताड़केश्वर महादेव जी के, बाबा के मंदिर के अंदर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, डेली लोगों का तांता लगा रहता है। आप लोग भी कभी भी सिटी के अंदर आएँ तो आपको ज़रूर आना चाहिए। और बस अंदर चलते हैं मंदिर के, बाबा को ढोक दे लेते हैं और जितना भी आपको दिखा पाऊँगा। वैसे अभी लोग जलाभिषेक वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन जो भी मैं आपको अच्छे से मंदिर का दिखा सकता हूँ वो मेरी दिखाने की आपको कोशिश रहेगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नंदी महाराज लगा रखे हैं बहुत ही बढ़िया पीतल के, और लोग इनके कान में अपनी जो भी मनोकामना इच्छाएं वगैरह जो भी होती हैं वो बोल के जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि पूरी भी होती हैं। और मंदिर पूरा का पूरा ये दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी जलाभिषेक कर दिया है और पुराने समय से ही क्या है यहाँ पे ताड़ के पेड़ जो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इस मंदिर का नाम जो है ताड़केश्वर महादेव रखा गया है। तो जी आपको मैं दर्शन कराने निकला था ठाकुर जी महाराज के, लेकिन क्या है कि ठाकुर जी को आज दर्शन देना रास नहीं आया हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ताड़केश्वर बाबा, बाबा भोलेनाथ के दर्शन आपको करा दिए। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है इस सिटी का और बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ की। तो आप लोग भी जब भी सिटी के अंदर आएँ तो ताड़केश्वर जी महादेव के ज़रूर आके जाएँ। और क्या है कि यार बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, इस वजह से मैं मंदिर प्रांगण के अंदर ही रुक गया था, क्योंकि 2-व्हीलर पर आते हैं ना तो यार भीग जाएंगे यार। और अभी मौसम भी क्या चेंज हो रहा है, हॉस्पिटल सारे भरे पड़े हैं बीमारियों से, पेशेंटों से, तो इसलिए क्या है बेटर सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ी सी बूंदाबांदी होने की वजह से ही है ना मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया, एकदम बढ़िया प्लीजेंट वेदर हो गया, जबकि सिटी के अंदर तो पॉल्यूशन रहता है और लोग पसंद भी नहीं करते हैं, बस मजबूरी में या काम से आते हैं। मौसम इतना बढ़िया हो रहा था ना तो मैं अल्बर्ट हॉल से पहले वाले सर्किल पर खड़ा होकर थोड़ा सा एंजॉय करने लगा मौसम। एकदम खचाखच ट्रैफिक चल रहा है, एकदम बढ़िया मौसम, इतना ज़्यादा स्वाद हो गया ना यार, मज़ा आ रहा है एकदम। 2-व्हीलर के ऊपर जो है ना एंजॉय कर रहा हूँ फुल, अदरवाइज़ क्या है 2-व्हीलर छठे चौमा से चलाने को होता है मेरा, लेकिन आज मैं 2-व्हीलर के ऊपर इतना एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक भी कम है अभी, मतलब पता नहीं डे टाइम की वजह से कम है नहीं है। 3:30 बज रहे हैं लेकिन 3:30 बजे भी है ना इतना प्लीजेंट वेदर हो रहा है ना, और अभी अल्बर्ट हॉल के सामने से होते हुए मैंने बस अपना एक्टिवा यहाँ पे लगाया और सीधे मैं है ना निकल रहा हूँ गोपालपुरा की तरफ, एक काम है मेरे को वहाँ पे। और ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन आशा करता हूँ कि ताड़केश्वर महादेव जी के जो आपने दर्शन किए उससे आप ज़रूर खुश हुए होंगे, और लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। गोपालपुरा पहुँच गया हूँ भैया के घर पे और यार रास्ते में वापस से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। यार ये क्या लग रहा है, लगता है बालों में भी टीका लग गया है। रास्ते में वापस से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, मुझे लगा, मैंने कहा यार दोबारा से मेरे को रुकना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि मेरे को काम था, काम निपटाने के बाद में दोबारा से मेरे को घर पे भी जाना था, फिर घर जा करके गाड़ी उठा करके फिर मेरे को 6-7 बजे कहीं निकलना भी है। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं और बाबा जो ताड़केश्वर महादेव जी हैं उनको जो है आप प्रणाम कर लीजिएगा वीडियो के अंदर से ही,
और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सभी बड़ों को प्रणाम। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।